हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट हलवा स्टाइल नारियल की बर्फी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसको कोई किसी भी त्यौहार पे या फास्ट में बना सकते हो। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका, इसको हमने बिना मावा बिना चाशनी के रेडी किया है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया है, मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये 2 कप हमने नारियल का बुरादा लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इससे कोई झंझट नहीं होता, बहुत ही आसानी से बर्फी हमारी बन जाती है। तो नारियल के बुरादे को हम 1 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, गैस को मीडियम लो फ्लेम रखेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ही, जैसे ही नारियल गर्म हुआ है वैसे ही नारियल का बुरादा एकदम मॉइस्चर आ गया है, इसमें तेल छोड़ दिया है। अभी हम इसमें ये 1 कप चीनी का डाल देंगे, पिसी हुई चीनी ली है मैंने, 2 कप नारियल का बुरादा लिया है उसी का 1 कप हमने इसमें चीनी ली है पिसी हुई, इसमें डाल देंगे और चीनी को भी लगातार ऐसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। बस इसको छोड़ना नहीं है चलाते, अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी नारियल नीचे से जल जाएगा, इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो चीनी डालने के बाद भी हम इसको 3-4 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे चीनी गर्म होगी वैसे वैसे मेल्ट होते जाएगी, तो इसमें अच्छे से मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे हमें लगातार चलाते रहना है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम आधा कप दूध का लेंगे, ये गर्म किया हुआ दूध है, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध डालने के बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए ऐसे इसको गैस को हमें मीडियम लो फ्लेम में रखना है और इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बर्फी बनती है। अभी लास्ट में हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे ये मावा का टेस्ट इसमें आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी बर्फी। तो लास्ट तक फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देखें, इसकी बीच में ना करें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ये इलायची पाउडर डाल देती हूँ, अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। नारियल में खुद में ही फ्लेवर होता है, तो वह बिना इलायची के पाउडर से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको मुझे लगा चलाते हुए 6 मिनट हो गए हैं, ये 15-20 मिनट में बनके रेडी हो जाती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। टोटल 15 मिनट में ये बर्फी हमारी बनके रेडी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, ये इसमें मलाई डालेंगे, दूध में जो हम गर्म करते हैं ऊपर से जो मलाई आती है उसको मैंने हटा लिया है, और ये मैंने आधा कप के करीब मिलाई इसमें डाल दी है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम मावा जैसा मुंह में घुलने वाली बर्फी बनेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी थोड़ा ऐड कर सकते हो या दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इससे बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा और बर्फी भी हमारी थोड़ी वाइट बनेगी ये मलाई डालने से। तो मलाई का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हर घर में दूध गर्म हो तो उसमें मलाई जो आती है उसी का हमने यूज़ किया है, और ताज़ा मलाई का ही यूज़ करना फ्रेंड्स, 2 दिन की बची हुई मलाई का नहीं करना, क्योंकि उसमें थोड़ी महक आने लगती है तो बर्फ़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ताज़ा दूध की 1-2 दिन की मलाई फ्रीज में रखी हुई का ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा पुरानी मलाई का आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए मलाई डालने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट अच्छे से पका लिया है और ये हमारा मिश्रण रेडी हो गया है बर्फ़ी जमाने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने टी ट्रे लिया है, अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो उसमें भी आप जमा सकते हो, कोई भी थाली पे आप इसको सेट कर सकते हो। मैंने इस ट्रे में, ये टी वाली ट्रे में थोड़ा सा घी लगा लिया है और इस पर ये मिश्रण हम डाल देंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल आपको लगा लेना है, अगर ऑयल आप लगाना चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल ही लगाना है। इसमें हमने घी का किसी का यूज़ नहीं किया, फिर भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आया है, बिना घी बिना मावा बिना चाशनी के हमने ये बर्फ़ी बनाई है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। एक बार अगर आपने बना के इसको टेस्ट कर लिया तो आप बार बार इसी बर्फी को बनाओगे, इसको आप कोई भी फेस्टिवल पे या आपका फास्ट हो बर्थ हो तभी भी आप बना सकते हो, या आपका मीठा खाने का मन करे मेहमान अचानक आ जाए तब भी बना सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो जाती है, इसको हमने अच्छे से सेट कर दिया है, ये देख सकते हो आप। अभी इसको हम 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे, अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज में रख के इसको 15-20 मिनट में भी कट कर सकते हो। मैंने इसको 1.5 घंटा ऐसे ही रख दिया था फैन के नीचे, और ये अच्छे से ठंडी होने के बाद अच्छे से सेट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो पहले मैं किनारी कट कर देती हूँ जिससे हमारी बर्फी अच्छे से
शेप में आ जाए। तो हमें किनारी पहले कट कर लेना है। ये किनारी को हम साइड में कर देंगे। और अभी हम बर्फी को कोई भी आप साइज दे सकते हो। मैं ऐसे सिंपल बर्फी कट कर रही हूँ। तो खैर रेसिपी आपको थोड़ी भी रेसिपी मेरी थोड़ी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने सिंपल इसको कट कर लिया है। और इस बर्फी को आप 10-15 दिन रख के खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए एक आपको मैं अलग करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, बहुत ही मज़ेदार ये बर्फी बनी है। हलवाई स्टाइल बर्फी हमने बनाई है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस बर्फी को आपको व्रत में खा सकते हो। तो ये देखिए ऐसे ही हम सारी बर्फी को ऐसे ही कट कर लिया है, अभी अलग कर लेंगे। और ये बर्फी हमारी रेडी हो चुकी है, अब अलग ट्रे में हम इसको सजा देते हैं। अब थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देंगे और ये बर्फी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी नारियल की बर्फी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।